मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र इलाके के पितौछिया में एक बस कंडक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शव को पुल के नीचे पानी में फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया, जिससे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी हाईवे पूरी तरह जाम हो गया। घटना के बाद लोगों ने मामले की जानकारी हथौड़ी पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची हथौड़ी व औराई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन कर आक्रोशितों को समझा बुझा कर शांत कराया। छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। मृतक की पहचान रुनी सैदपुर थाना क्षेत्र के रुपौली निवासी 45 वर्षीय मदन झा के रूप में हुई है। मृतक के शरीर के कई हिस्सों में गहरी चोट के निशान मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अपराधियों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को फेंक दिया। मदन झा माँ गायत्री बस के कंडक्टर थे। प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के लिए उनका आना जाना था। मृतक का बेटा सूरज कुमार ने बताया कि उनके पिता गुरुवार की दोपहर 3 बजे घर से निकले थे। शाम के वक्त फोन ट्राई किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इस घटने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों के मुताबिक मदन झा की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर मतलब घटना है, मार के फेंक दिया गया था। हाँ, हमारे घर से 2-3.5 किलोमीटर पे हमारे पापा को पानी में मार के फेंक दिया गया था। कहाँ पर? हाँ, और पितौछिया चौक से थोड़ा पीछे ही। हाँ, वहाँ पर हमारे पापा को मार के फेंक दिया गया। पीछे से मारा गया और पीछे गोली लगा हुआ है, आंख आगे चाकू उकू लगा हुआ है। हाँ, ये सब चीज़ें पूरा ब्लड अभी तक ब्लड गिर रहा है। पापा हमारे बस का कंडक्टर है, उनका श्री मदन झा। कौन लोग मारा है, क्या लगा? आदमी लोग मारा है, लेकिन शक है जिनके ऊपर। हम नाम बताएंगे अभी, मतलब उतना हम अथि नहीं है, नाम बताएंगे। सर विवाद भी चल रहा था, हमारे भाई को भी झूठा आरोप में फंसाया गया है। हाँ, हम नाम आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे भाई भी को भी विवाद में फंसाया गया है। अच्छा, भाई क्या जेल में है? हाँ, अभी जेल में है। किस मामले में? छोटा वाला, मतलब किसी और के साथ, मतलब प्रेम प्रसंग उसका चल रहा है उस लड़की को, और उसके साथ में मेरा भाई को दोस्ती था। उसमें हमारे भाई को भी, मतलब हमारा चौथा नंबर हमारे भाई को नाम डाल के, हमारे भाई को बाप का नाम न मालूम करके, मतलब भाई को हमको अंदर करवा दिया। इसके हाँ हाँ ना 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 प्रेम प्रसंग वाला अथी में रहला का, तो ओकर दोस्त रहला का, जे लड़का से ओकरा प्यार रहला का ना, तो ओकर अथी दोस्त। अब अइमे हमर भाई के अभी नहीं भेल रहे, मतलब हमारा भाई के फंसा देलक। इनको जो मारा, कै गो गोली लगा इनको? इनको लगता है पीछे पूरा फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है, पीछे से पूरा ब्लड आ रहा है। अभी भी देख रहे हैं पूरा ब्लड, अभी हम पूरा हाथ धो करके आए हैं, अभी आप धुलाई करवाए हैं, ब्लड दिखवाए हैं। चाकू आगे आँख पे लगा हुआ है। हाँ, पीछे मतलब फूटा हुआ है पूरा, एकदम पूरा ब्लड आ रहा है। यहाँ पर लाश मिला है, उसी सब अवस्था में लाश था? पूरा अवस्था में डूबा हुआ लाश था, पैर ऊपर खाली दिख रहा था, पैर ऊपर। हाँ, ये थाना क्षेत्र कौन सा है? वहाँ थाना क्षेत्र पितौछिया है, मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है। हथौड़ी थाना है, औराई 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 थाना है, महिंदवाड़ा थाना पड़े, महिंदवाड़ा था, मुजफ्फरपुर पितौछिया चौक का घटना है। क्या मृतक का क्या नाम है? श्री मदन झा। क्या करते हैं? बस का कंडक्टर है। घर कहाँ है? घर रुपौली है। जिला? सीतामढ़ी। थाना? रुनी सैदपुर। आपका क्या नाम है? मेरा सूरज कुमार झा। क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं, बाहर रहते हैं।